जय शनिदेव मित्रों, मैं सचिन शर्मा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं और शनिदेव से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोगों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें और आप सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण करें। हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे सूर्य के प्रथम भाव में होने पर उसके किस लग्न राशि पर क्या प्रभाव पड़ेंगे। उससे पहले हम चर्चा करते हैं कि कुंडली का प्रथम भाव हमें क्या दर्शाता है। देखिए, यह भाव जातक के व्यक्तित्व को, उसके शरीर को, आत्मसम्मान को, मन की शांति को, वर्तमान जीवन को, उसके स्वास्थ्य को, दीर्घायु को, उसके मस्तिष्क को और उसकी सहन शक्ति को दर्शाता है। जन्म कुंडली के प्रथम भाव में सूर्य जातक को पूरी ऊर्जा, जीवन शक्ति और आपके कार्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण देता है। आमतौर पर ऐसे जातक स्वस्थ शरीर और अच्छे स्वास्थ्य के स्वामी होते हैं। ऐसे जातक के सिर पर बाल थोड़े कम घने होते हैं। ऐसे जातक आसानी से अपना आपा खो बैठते हैं और लापरवाह हो जाते हैं। प्रथम भाव में स्थित सूर्य जातक की सामाजिक छवि और समाज में उसकी स्थिति का भी प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे जातक दूसरों से सम्मान अर्जित करते हैं और उनका आत्मसम्मान बहुत अधिक होता है। इस कारण ऐसे जातक के आसपास के अन्य लोग इन्हें स्वभाव से अभिमानी भी मानते हैं। ऐसे जातक अपने जीवन की शुरुआत से ही दोस्तों के छोटे समूह में नेता बन जाते हैं और समूह में आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं और समूह का पूरा ध्यान आकर्षित करते हैं। जब इन जातकों को अधिकार मिल जाते हैं तो वे दूसरों की उपेक्षा करने लगते हैं और हमेशा स्वयं को दूसरों की तुलना में बहुत श्रेष्ठ मानते हैं, जिसके कारण लंबे समय में ऐसे जातक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी खोने लगते हैं। जीवन में समय के साथ विकसित अभिमानी व्यवहार के कारण ऐसे जातकों के अधीन कार्य करने वाले लोग बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि ऐसे जातकों को संतुष्ट करना बहुत ही कठिन होता है। ऐसे जातक नए विचारों को सहजता से स्वीकार नहीं करते और अपने अधीन कार्य करने वालों के विचारों को गंभीरता से नहीं लेते। इस तरह के व्यवहार के कारण ऐसे जातकों के अधीन कार्य करने वाले लोग आमतौर पर इन्हें सनकी समझते हैं। जब सूर्य प्रथम भाव में होता है तो ऐसे जातकों में आत्मविश्वास का स्तर बहुत ऊंचा होता है और वे कभी भी किसी भी कार्य में पीछे नहीं हटते, अपने शत्रुओं को जवाब देने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। ऐसे जातकों को सरकारी नौकरी का लाभ मिलता है अथवा अपने जीवन में सरकारी पद पर कार्य कर रहे लोगों से लाभ भी इन्हें बहुत अधिक मिलता है। ऐसे जातकों के अपने जीवन में सरकारी अधिकारियों के साथ बहुत अच्छे संपर्क भी पाए जाते हैं। जब सूर्य जन्म कुंडली के प्रथम भाव में होता है तो ऐसे जातक विभिन्न क्षेत्रों के बारे में बहुत अधिक जानकारी अर्जित करते हैं, अथवा हम कहें उन्हें विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी प्राप्त करना अच्छा लगता है। ऐसे जातक बहुत स्वतंत्र विचार वाले होते हैं और निर्णय लेने में बहुत मजबूत होते हैं, इसलिए ऐसे जातक महान राजनीतिक नेता भी बन सकते हैं, क्योंकि वे प्रतिद्वंदियों को भी संभालना जानते हैं। सूर्य के प्रथम भाव में होने पर यह जातक के जीवन में क्या प्रमुख प्रभाव डालता है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। ऐसे जातक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले, बहुत घमंडी, सरकारी अधिकारियों में अच्छे संपर्क रखने वाले, प्रतिष्ठित पद पर सरकारी नौकरी करने वाले, बहुत ही मजबूत राजनीतिक झुकाव वाले होते हैं। ऐसे जातक जीवन में आसानी से हार नहीं मानते और विजय प्राप्ति के लिए सदैव लड़ते रहते हैं। ऐसे जातकों को सदैव आकर्षण का केंद्र बनने की आदत होती है। यदि सभी ग्रह ऐसे जातकों का पक्ष लेते हैं और सूर्य की महादशा भी आपके जीवन के सही समय पर आती है तो ऐसे जातक पर ये सभी व्यक्तित्व के जो लक्षण अभी हमने डिस्कस करे हैं वो सब लागू होते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं कि ऐसे जातकों के वैवाहिक जीवन किस प्रकार का होता है। ऐसे जातक
थोड़े अधिक जिद्दी प्रवृत्ति के होते हैं और दूसरों से दिशा लेना और दूसरों के विचारों से सहमति ना करना इनकी आदत होती है। इसके कारण इन जातकों की जन्म कुंडली के प्रथम भाव में सूर्य होता है, उन्हें वैवाहिक जीवन में बहुत उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। ऐसे जातक को अपने वैवाहिक जीवन को आगे बढ़ाने में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जहां एक और जन्म कुंडली के प्रथम भाव में सूर्य का स्थान कैरियर के लिए एक वरदान है, वहीं दूसरी ओर वैवाहिक जीवन के लिए ये हानिकारक सिद्ध हो सकता है। तो चलिए अब चर्चा करते हैं कि सूर्य के प्रथम भाव में होने पर यह विभिन्न विभिन्न लग्न स्वामियों के साथ क्या प्रभाव आप पर देगा। सर्वप्रथम बात करते हैं मेष लग्न के लिए, यदि सूर्य प्रथम भाव में होता है तो उसका जातक पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। मेष लग्न के लिए सूर्य पंचम भाव का स्वामी है और इसलिए मेष लग्न में सबसे अधिक लाभकारी ग्रह है। यदि ऐसे जातक का कैरियर के समय सूर्य की महादशा का सामना करना पड़ता है तो यह ऐसे जातक के लिए जीवन का स्वर्णिम काल होगा, अर्थात यह एक गोल्डन पीरियड आपकी लाइफ का हो सकता है। और वे जो भी उच्चतम पद प्राप्त करना चाहते हैं वे सूर्य की महादशा के दौरान बहुत ही सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर हमें किसी भी कुंडली को एनालाइज करते समय राहु और केतु के पहलुओं को भी यहाँ समझना होगा कि राहु और केतु का योग कहीं सूर्य के साथ तो नहीं है, राहु और केतु की दृष्टि कहीं सूर्य पर ना पड़ रही हो, इस बात का भी हमें विशेष ध्यान रखना है। ऐसे जातक को अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य का सदैव सुख प्राप्त रहता है। अच्छे निर्णय की शक्ति लेने की क्षमता ऐसे जातकों में देखी जा सकती है। ऐसे जातकों के पास पर्याप्त धन रहता है। ऐसे जातक पिता के धन का सदुपयोग करते हैं, पिता के धन से आप अच्छी शिक्षा अर्जित करते हैं। ऐसे जातक उच्च आधिकारिक पद पर भी पहुंचते हैं। ऐसे जातकों की समाज में बहुत ही अच्छी छवि देखी जा सकती है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों की उत्कृष्ट जानकारी ऐसे जातकों को होती है। ऐसे जातक अक्सर अपनी मर्जी से शादी करते हैं। मेष राशि में स्थित सूर्य उसे क्रूर और बहुत ही घमंडी बना देता है। ऐसे जातक का वैवाहिक जीवन संभालना बहुत ही कठिन होता है और अलगाव की संभावना बहुत अधिक होती है। यहाँ पर हमें ग्रहों के अन्य पहलुओं को भी एनालाइज करना पड़ता है, उसके बाद ही हम देखते हैं कि यहाँ पर जातक के जीवन में उसके वैवाहिक जीवन कितना कठिन हो सकता है या उसके जीवन में कितनी समस्याएं आने की संभावना बनती हैं। तो यदि हम रोगों की बात करें तो जिस जातक की कुंडली के प्रथम भाव में सूर्य है और प्रथम भाव का स्वामी मेष राशि है तो ऐसे जातक रक्तचाप, आंतों के रोग जैसे रक्त से संबंधित रोगों के शिकार हो सकते हैं। तो ये था मेष लग्न के जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वृषभ लग्न के जातकों पर सूर्य के प्रथम भाव में होने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वृषभ लग्न की कुंडली में सूर्य चौथे घर का स्वामी है और अचल संपत्ति, विलासिता और कारों पर शासन करता है। वृषभ लग्न के प्रथम भाव में सूर्य माता के साथ आपके अच्छे संबंध बनाता है। ऐसे जातक को भूमि और संपत्ति में बहुत ही रुचि होती है, अर्थात आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, प्रॉपर्टी में निवेश करना आपको अत्यधिक प्रभावित करता है। वृषभ लग्न के पहले भाव में सूर्य ऐसे जातकों को अचल संपत्ति और रत्न में भी निवेश करने में बहुत रुचि होती है। ऐसा जातक हमेशा विलासिता पूर्ण जीवन का सदैव पीछा करता है और अपने आसपास के लोगों को अपनी संपत्ति और धन दिखाने की प्रवृत्ति भी आप जैसे लोगों में पाई जा सकती है। यदि हम रोग की बात करें तो ऐसे जातकों को जीभ, आँख
और कान से संबंधित रोग होने की संभावना बहुत अधिक होती है। तो ये था वृषभ लग्न के जातकों के लिए सूर्य का प्रथम भाव में होने पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिथुन लग्न के जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। मिथुन लग्न की कुंडली में सूर्य तीसरे भाव का स्वामी होता है। मिथुन लग्न के लिए प्रथम भाव में सूर्य जातक को बहुत साहसी स्वभाव का बनाता है। ऐसे जातक यात्राएं करने का बहुत ही शौक रखते हैं और अन्य लग्नों की तुलना में अपने छोटे भाई बहनों के प्रति इनका लगाव बहुत अधिक होता है। आप अपने छोटे भाई बहनों के प्रति बहुत अधिक स्नेह रखते हैं, आप उनकी इच्छा अनुसार भी काम करना पसंद करते हैं। मिथुन लग्न के प्रथम भाव में सूर्य का होना स्वतंत्र कार्य के लिए प्रबल योग माना जाता है, या हम कह सकते हैं कि ऐसा जातक स्वयं का व्यवसाय करता है और उसमें आपको बहुत ही उन्नति प्राप्त होती है। ऐसे जातकों में बहुत अच्छे प्रशासनिक गुण भी होते हैं, अर्थात आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल है वो बहुत ही अच्छी पाई जाती हैं, और ये बड़े संगठनों को संभालने में भी आप सक्षम होते हैं, अर्थात आप किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। मिथुन लग्न के प्रथम भाव में सूर्य का स्थान होना जातक को राजनीतिज्ञ के कैरियर में भी, अर्थात आपको पॉलिटिक्स के कैरियर में भी आपको बहुत ही आगे लेकर जा सकता है, बहुत उन्नति आपको राजनीति में मिल सकती है। यदि हम रोगों की बात करें तो ऐसे जातकों के गले और कान से संबंधित रोग होने की संभावना बहुत अधिक होती है। तो ये था मिथुन लग्न के जातकों पर सूर्य का प्रथम भाव में होने पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कर्क लग्न के जातकों के लिए सूर्य के प्रथम भाव में होने पर क्या प्रभाव पड़ता है। कर्क लग्न की कुंडली में सूर्य दूसरे भाव का स्वामी है। कर्क लग्न के प्रथम भाव में सूर्य जातक को धनवान बनाता है, उसे जीवन में अच्छी बचत प्राप्त करने की एक क्षमता प्रदान करता है। आप जैसे व्यक्तियों का, आप जैसे जातकों का जो बैंक बैलेंस है वो सदैव मेंटेन रहता है। कर्क लग्न के प्रथम भाव में सूर्य जातक को अपने परिवार में लोकप्रिय बनाता है और आप परिवार के सदस्यों के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होते हैं, खासकर जब भी बात वित्त की हो। अर्थात यदि मान लीजिए आपके कहीं पर भी किसी भी परिवार में किसी को भी पैसे की कमी पड़ती है, पैसे का अभाव पड़ता है, पैसे की आवश्यकता पड़ती है, तो उस समय पर आपसे मदद ली जाती है और आप ऐसे समय पर अपने परिवार के लोगों की मदद अवश्य करते हैं। कर्क लग्न के प्रथम भाव में सूर्य का होना जातक को भोजन का शौकीन बनाता है, अर्थात आप अलग अलग डिशेस खाना पसंद करते हैं, या हम कह सकते हैं कि ऐसे जातक बहुत अधिक भोजन करने वाले भी पाए जाते हैं, और ऐसे जातक मांसाहारी भोजन का भी शौक रखते हैं। कर्क लग्न के प्रथम भाव में सूर्य का होना जातक के स्वास्थ्य के लिए परेशानी पैदा करता है, और यदि सूर्य राहु या केतु जैसे ग्रहों से पीड़ित है तो ऐसे जातक को जीवन भर स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। तो यदि हम रोगों की बात करें तो ऐसे जातकों को छाती और फेफड़ों से संबंधित रोग होने की संभावना बहुत अधिक बनी रहती है। तो ये था कर्क लग्न के जातकों के लिए सूर्य का प्रथम भाव में होने पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि सिंह लग्न के जातकों के लिए सूर्य का प्रथम भाव में होने पर क्या प्रभाव पड़ता है। सिंह लग्न की जन्म कुंडली में सूर्य प्रथम भाव का स्वामी भी है, और सिंह लग्न की कुंडली के प्रथम भाव में सूर्य का स्थान सूर्य द्वारा निर्मित सबसे शक्तिशाली योगों में से एक है। ऐसे जातकों में बहुत ही आत्मविश्वास होता है, ऐसे जातकों का स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहता है, ऐसे जातकों में आत्मविश्वास की बिल्कुल भी कमी नहीं होती, ऐसे जातक बहुत ही अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता भी पाए जाते हैं, ऐसे जातकों में नेतृत्व के गुण बहुत अधिक पाए जाते हैं, जिसके कारण ऐसे जातक पॉलिटिक्स में, राजनीति में बहुत ही अच्छा नाम अपना कमाते हैं। ऐसे जातक हमेशा दूसरों पर विजय होते हैं। सूर्य की यह स्थिति बहुत ही मजबूत प्रशासनिक कार्यों के लिए उपयुक्त समझी जाती है। ऐसे जातक आईएएस अफसर भी बन सकते हैं, ऐसे जातक
सरकारी नौकरी में बहुत ही उच्च पद पर भी पाए जाते हैं। ऐसे जातक महान राजनेता बनते हैं, महान वक्ता बनते हैं। सिंह लग्न में सूर्य का जन्म कुंडली के प्रथम भाव में होना जातक को बहुत अधिक अभिमानी बनाता है। ऐसे जातक पैतृक संपत्ति के धनी होते हैं। ऐसे जातकों को साझेदारी का व्यवसाय बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं रहता। आपको पार्टनरशिप बिजनेस बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपने इसका विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर्स के साथ आपके संबंध अच्छे और मजबूत कभी नहीं बन सकते, क्योंकि आप में दूसरों के निर्णय को समझने की, दूसरों के आइडियाज़ को स्वीकार करने की जो क्षमता है वो बहुत ही कम होती है, जिसके कारण आप दूसरों के आइडियाज़ को बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करते, बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस आप दूसरों के आइडियाज़ को नहीं देते, जिसके कारण आपके पार्टनरशिप बिजनेस में बहुत ही तनाव बना रहता है और अंत में आपको अपने पार्टनरशिप बिजनेस को समाप्त भी करना पड़ सकता है। सूर्य की यह स्थिति जातक को राजयोग देती है, वहीं दूसरी ओर यह वैवाहिक जीवन के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। ऐसे जातकों का चेहरा भी दूसरों की तुलना में थोड़ा भारी पाया जाता है। तो यदि हम बात करें रोगों की, तो ऐसे जातकों को पित्ताशय से संबंधित रोग और मस्तिष्क से संबंधित रोग होने की संभावना बहुत अधिक बनी रहती है। तो ये था सिंह लग्न के जातकों पर सूर्य का प्रथम भाव में होने पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए चर्चा करते हैं अब कन्या लग्न के जातकों पर सूर्य के प्रथम भाव में होने पर क्या प्रभाव पड़ता है। कन्या लग्न की कुंडली में सूर्य 12वें भाव का स्वामी होता है। इस कारण सूर्य का 12वें भाव में होना ऐसे जातकों को विदेश में बहुत ही शुभ अवसर प्राप्त होते हैं। यदि ऐसे जातक विदेश में नौकरी ढूंढ रहे होते हैं तो उनको वहां पर बहुत ही आसानी से नौकरी मिलने की संभावना बनती है। ऐसे जातक विदेश में यदि सेटल होना चाहते हैं तो उनके कार्य बहुत ही तीव्रता से बनते दिखाई देते हैं। सूर्य यहाँ पर एक मारक ग्रह है, जिसका अर्थ यह है कि कन्या लग्न में सूर्य अपने अशुभ प्रभाव देता है। कन्या लग्न की कुंडली के प्रथम भाव में सूर्य का स्थान जातक को अस्थिर मन देता है, अर्थात आपको फोकस करने में, कॉन्सेंट्रेट करने में यहाँ समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। ऐसे जातक एक दिशा में ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। ऐसे जातकों का कैरियर भी अस्थिर हो सकता है और ऐसे जातक का वैवाहिक जीवन सदैव टूटने के कगार पर बना रहता है। यहाँ पर हमें कुंडली के अन्य जो शुभ ग्रह हैं उनको भी एनालाइज करना पड़ता है, उसके पश्चात ही यहाँ पर ये निर्णय लिया जाता है कि यह जातक के वैवाहिक जीवन में उस पर क्या प्रभाव डाल सकता है, कितने अधिक नकारात्मक प्रभाव वह दे सकता है। यदि हम यहाँ रोगों की बात करें तो ऐसे जातकों को पेट के निचले हिस्से और आंतों से संबंधित रोग होने की संभावना बहुत अधिक बनी रहती है। तो यह था कन्या लग्न के जातकों के लिए सूर्य का प्रथम भाव में होने पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए चर्चा करते हैं कि तुला लग्न के जातकों पर सूर्य का प्रथम भाव में होने पर क्या प्रभाव पड़ता है। तुला लग्न की जन्म कुंडली में सूर्य 11वें भाव का स्वामी है और 11वां घर या 11वां भाव हमारी भौतिकवादी इच्छाओं को, हमारी उपलब्धियों को, हमारे वित्तीय लाभ को, हमारे मित्रों को, हमारे कानों को और हमारी जो बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है उसको दर्शाता है। सूर्य यहाँ प्रथम भाव में स्थित है, परंतु यहाँ सूर्य अपनी नीच की राशि में स्थित होता है जो कि तुला राशि है। यदि प्रथम भाव में गुरु जैसा प्राकृतिक योग कारक ग्रह की दृष्टि ना हो तो ऐसे जातक अस्थिर मन वाले होते हैं। ऐसे जातकों को अपने कैरियर के प्रति दिशा मिलना, एक उपयुक्त दिशा मिलना बहुत ही कठिन हो जाता है। उन्हें अपना कैरियर चुनने में बहुत कठिनाई होती है। उनके पिता के साथ जो संबंध रहते हैं वो भी अत्यंत खराब रहते हैं। ऐसे जातक बहुत ही अभिमानी व्यवहार के होते हैं। ऐसे जातकों का रवैया बहुत कठोर होता है और ऐसे जातकों का वैवाहिक जीवन भी बहुत ही अस्थिर देखा जा सकता है। यदि
किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि, जैसे राहु की दृष्टि यदि कुंडली के प्रथम भाव पर होती है, तो ऐसे जातकों को धोखा देने की प्रवृत्ति भी बन जाती है। तो यदि हम बात करें रोगों की, तो ऐसे जातकों को यौन अंगों के और गुर्दे से संबंधित रोग होने की संभावना बहुत अधिक बनती है। तो यह था तुला लग्न के जातकों पर सूर्यदेव का क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए चर्चा करते हैं वृश्चिक लग्न के जातकों पर सूर्य का प्रथम भाव में होने पर क्या प्रभाव पड़ता है। वृश्चिक लग्न की कुंडली में सूर्य दशम भाव का स्वामी होता है, अर्थात आपके कर्म भाव का स्वामी सूर्यदेव होते हैं, जिससे ऐसे जातकों को सरकार से अच्छा सहयोग मिलता है, अथवा हम कहें कि आपकी ऐसे जातकों से भी जान पहचान बनती है जिनके सरकारी महकमों में अच्छी जान पहचान होती है, या जो सरकारी महकमों में अच्छे पद पर कार्य कर रहे होते हैं। जब सूर्य वृश्चिक लग्न के प्रथम भाव में होता है, तो ऐसे जातक बहुत अहंकारी स्वभाव के भी बन जाते हैं, बहुत ही जिद्दी और दबंग जीवन साथी वाले भी होते हैं। ऐसे जातकों का जो जीवन साथी देखा गया है, वो बहुत ही जिद्दी प्रवृत्ति का होता है। यदि चंद्र और बृहस्पति जैसे शुभ ग्रहों की दृष्टि प्रथम भाव पर होती है, तो यह अपने बहुत ही सकारात्मक प्रभाव अपने देता है। यदि हम बात करें रोगों की, तो ऐसे जातकों को यौन अंगों के बाहरी भाग से संबंधित रोग और नसों से संबंधित रोग होने की संभावना बहुत अधिक बन जाती है। तो ये था वृश्चिक लग्न के जातकों की कुंडली में यदि सूर्य प्रथम भाव में होता है तो उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं धनु लग्न के जातकों की कुंडली में यदि सूर्य प्रथम भाव में होता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। धनु लग्न की जन्म कुंडली में सूर्य नवम भाव का स्वामी है, और जन्म कुंडली का नवम भाव हमारे भाग्य को, हमारे धार्मिक झुकाव को, हमारे धार्मिक गतिविधियों को दर्शाता है, हमारे पिता के साथ संबंधों को दर्शाता है, हमारी लंबी यात्राओं का प्रतिनिधित्व करता है। धनु लग्न की जन्म कुंडली के प्रथम भाव में यदि सूर्य होता है तो जातक को भाग्यशाली बनाता है। ऐसे जातक पिता की संपत्ति को भोगते हैं, ऐसे जातक अपने बड़ों और शिक्षक का सम्मान भी करते हैं, ऐसे जातक अपने शिक्षकों को भी पसंद करते हैं, सरकार से भी ऐसे जातकों को बहुत अधिक लाभ मिलता है, ऐसे जातकों की धार्मिक आस्था बहुत अधिक पाई जाती है। जब सूर्य धनु लग्न की कुंडली में प्रथम भाव में होता है तो ऐसे जातक समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, समाज में आप लोगों की बहुत अच्छी प्रतिष्ठा होती है, और ऐसे जातक बहुत ही परोपकारी स्वभाव के भी होते हैं। यदि सूर्य मंगल या बृहस्पति जैसों के साथ युति में हो, तो यहाँ पर ये आपको बहुत ही अधिक साहसी बना सकता है, बहुत ही अधिक धनवान बना सकता है, आपको जीवन में बहुत ही बड़ी सफलता आपको प्राप्त हो सकती है। लेकिन यदि शनि, राहु और केतु जैसे पाप ग्रहों की दृष्टि या युति कुंडली के प्रथम भाव में सूर्य के साथ हो, तो यहाँ पर आपको बहुत ही नकारात्मक प्रभावों का सामना करना पड़ सकता है। यदि हम बात करें रोगों की, तो ऐसे जातक कूल्हों और पेट से संबंधित रोगों के शिकार भी हो जाते हैं। तो ये था धनु लग्न के जातकों की कुंडली में यदि सूर्य प्रथम भाव में होता है तो क्या प्रभाव डालेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि मकर लग्न की कुंडली में यदि सूर्य प्रथम भाव में होता है तो उसका जातक पर क्या प्रभाव पड़ता है। मकर लग्न की कुंडली में सूर्य अष्टम भाव का स्वामी है, अर्थात सूर्य एक मारक ग्रह है। मकर लग्न की जन्म कुंडली में सूर्य पाप ग्रह है, और जन्म कुंडली के अष्टम भाव से हम बाधाओं को, दुर्घटनाओं को, मृत्यु को, ससुराल को, पुरानी बीमारियों को, अप्रत्याशित वित्तीय लाभ को देखते हैं। मकर लग्न के प्रथम भाव में यदि सूर्य स्थित होता है तो यह जातक को अस्थिर दिमाग देता है, कैरियर में आपको बहुत अधिक उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, आपको स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी अपने जीवन में बहुत देखनी पड़ सकती हैं। ऐसे जातक दूसरों के प्रति बहुत खराब रवैया रखता है, और अपने व्यवहार के कारण आपके जीवन में बहुत अधिक समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। ऐसा जातक रोगों से सदैव ग्रस्त रहता है, और उसमें रोगों के प्रति लड़ने की जो क्षमता होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो हम कहते हैं, वो बहुत ही कम होती है। ऐसे जातकों का अपने पिता के साथ जो संबंध है वो भी
कुछ अच्छा नहीं देखा जा सकता। ऐसे जातकों को सरकारी महकमे से भी समस्या उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। यदि प्रथम भाव का स्वामी अर्थात जन्म कुंडली में शनि अच्छी स्थिति में है और मकर लगन के लिए भी शुभ ग्रह यानी शुक्र भी जन्म कुंडली में अच्छा है तो ये नकारात्मक परिणाम आपके जीवन में आपको कम महसूस होंगे। देखिए, सूर्यदेव आपकी कुंडली के मारक ग्रह हैं और शनि आपकी कुंडली के लग्न भाव के स्वामी हैं, इसलिए आपको शनि के उपाय अपने जीवन में सदैव करते रहने हैं और अपने माता पिता और वरिष्ठों को आप पूरा सम्मान दीजिए। साथ ही आपको अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना होगा और अनुशासित जीवन का पालन करना चाहिए। यदि हम बात करें रोगों की, तो ऐसे जातकों को घुटने और हड्डियों से संबंधित रोग होने की संभावना बहुत अधिक बनी रहती है। तो यह था मकर लगन की कुंडली में यदि सूर्य प्रथम भाव में होता है तो क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुंभ लगन की कुंडली में यदि सूर्य प्रथम भाव में होता है तो इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। कुंभ लगन में सूर्य सप्तम भाव का स्वामी है और कुंभ लगन में सूर्य प्रथम भाव से सप्तम भाव पर दृष्टि भी डालता है। प्रथम भाव में सूर्य इस बात का संकेत करता है कि जातक साहसी होता है, लेकिन ऐसे जातकों में थोड़ा आत्मविश्वास की कमी पाई जाती है। ऐसे जातक थोड़े आत्म केंद्रित भी होते हैं और खुद को ही एक वास्तविक मालिक समझते हैं, अर्थात आप स्वयं को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और दूसरों के विचारों को और दूसरों की विचारधाराओं की परवाह बिल्कुल भी नहीं करते। प्रथम भाव में सूर्य यह भी संकेत देता है कि ऐसे जातक अधिक भौतिकवाद और धनवान होते हैं। इसका अर्थ यह है कि आप इस मेटलिस्टिक वर्ल्ड के प्रति आपका झुकाव बहुत अधिक होता है और आप धन के प्रति अधिक लगाव रखते हैं। ऐसे जातकों के उच्च समाज के लोगों से मित्रता भी देखी जा सकती है, लेकिन ऐसे जातक स्वयं इतना धन प्राप्त नहीं कर पाते। यदि ऐसे जातक शेयर ट्रेडिंग जैसे व्यवसाय करते हैं तो उन्हें नुकसान होने की संभावना भी बहुत अधिक बनी रहती है। ऐसे जातक आमतौर पर प्रेम विवाह करते हैं, लेकिन विवाह के कुछ वर्षों के बाद रिश्तों में जो अनुकूलता आनी चाहिए, जो रिश्तों में मिठास होनी चाहिए, उसमें कमी आती रहती है। ऐसे जातकों को अपनी पत्नी के साथ अहंकार की समस्या होती है, या हम कहें कि अपने जीवन साथी के साथ कुछ विचारों में मतभेद सदैव बना रहता है, जिसके कारण आपका वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण बना रहता है। ऐसे जातक अपने पत्नी की आलोचना भी करने में पीछे नहीं हटते और दूसरों की पत्नी में भी आपकी रुचि रहती है। इन्हें संतान प्राप्ति में देरी होती है और संतान से भी आपके संबंध कुछ सामान्य नहीं होते। यदि हम बात करें रोगों की, तो कुंभ लगन की जन्म कुंडली के प्रथम भाव में यदि सूर्य होता है तो ऐसे जातकों को इंटेस्टाइन अर्थात तंत्रिका से संबंधित रोग, हड्डियों से संबंधित रोग, आँखों से संबंधित रोग और हृदय से संबंधित रोगों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो यह था कुंभ लगन की कुंडली में यदि सूर्य प्रथम भाव में होता है तो इसका जातक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मीन लगन की कुंडली में यदि सूर्य प्रथम भाव में होता है तो इसका जातक पर क्या प्रभाव पड़ता है। मीन लगन की जन्म कुंडली में सूर्य छठे भाव का स्वामी है, इसलिए मीन लगन की कुंडली में सूर्य पाप ग्रह है। इसलिए जब भी मीन लगन में सूर्य प्रथम भाव में होता है तो ऐसे जातक प्रतिस्पर्धा में कड़े दावेदार होते हैं और हमेशा जीतने के लिए खेलते हैं। ऐसे जातकों के लिए विशेष रूप से कुछ सरकारी नौकरी की परीक्षा में सफलता की संभावना भी बहुत अधिक होती है। ऐसे जातक रोमांटिक स्वभाव के भी होते हैं और जीवन में कई महिलाओं को आकर्षित भी करते हैं, अर्थात आपके जीवन में मल्टीपल रिलेशनशिप भी देखे जा सकते हैं। ऐसे जातक आभूषण, अच्छा इंटीरियर डिजाइनिंग, मीडिया और भव्य जीवन शैली की ओर भी बहुत अधिक आकर्षित रहते हैं। ऐसे जातकों को दूसरों के दोष बहुत जल्दी उजागर करने की आदत सी होती है। मीन लगन के प्रथम भाव में सूर्य जब लग्न में हो तो ऐसे जातक की पत्नी को रोग होने की संभावना भी बहुत अधिक बनती है, क्योंकि प्रथम भाव का स्वामी बृहस्पति है, इसलिए ऐसे जातक की कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होती है और रचनात्मक क्षेत्रों में भी आपको अच्छी सफलता प्राप्त होती है। ऐसे जातक भावुक होते हैं, परंतु आप जीवन में परिस्थितियों को बहुत ही साहसपूर्वक तरीके से संभाल लेते हैं।
मीन लगन के प्रथम भाव में सूर्य जीवन के कुछ आपराधिक मामलों का कारण भी बन सकते हैं, अर्थात आपको यहाँ पर लीगल इश्यूज का सामना भी अपने जीवन में करना पड़ सकता है। और यदि हम बात करें रोगों की, तो ऐसे जातक को एलर्जी के रोग जैसे फ्लू, जुकाम, आँखों की रोशनी और बुखार जैसी समस्या अधिक होने की संभावना बनी रहती है। तो ये था सूर्य का प्रथम भाव में होने पर सभी लग्न राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। शनिदेव आप सभी लोगों पर अपना आशीर्वाद बनाकर रखें। धन्यवाद।